हमारे तीन कैप्टन्स, द वन एंड ओनली धर्मेश, शक्ति एंड पुनीत पाठक। कम ऑन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम मेरी तरफ से भी आप लोग को, बिकॉज ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शो है डांस प्लस, जैसे कि राघव ने कहा परिवार है। इस साल में आप हमेशा पूछोगे नया क्या है, तो हम अभी से बता रहे हैं। जो थॉट लेके हम लोग जा रहे हैं वो ये है कि सपने सिर्फ अपने नहीं होते, क्योंकि हर एक इंसान जो फोरग्राउंड में दिखता है कैमरा के आगे कुछ करके आया है, उसके पीछे काफ़ी लोगों का या एक इंसान का या परिवार का, जैसे राघव ने कहा किस ना किस आप कहानी बना ले पहले तू। कौन था वो, कौन था वो लड़का? खैर जोक्स अपार्ट, आई थिंक मेरी जिंदगी के प्लस मेरे पापा हैं। राइट फ्रॉम द मोमेंट जब हम पैदा हुए, हम चार बहनें पैदा हुए, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स उन्होंने देखे हैं, नॉट ओनली फॉर माई ड्रीम्स पर हमारी एग्जिस्टेंस के लिए भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे कि आपके घर का वंश कौन है, आपकी बेटियाँ कैसे घर चलाएंगी, आपका बुढ़ापे में ध्यान कौन रखेगा। तब से लेके आज तक हमारे पापा हम सबके साथ खड़े रहे हैं, और मुझे बहुत गर्व महसूस होता है कि ना इसका डांस देखो। तो वो कुछ लोग होते हैं जो मस्ती में हमें ज़्यादा पूछ करते हैं कि हम वो उनको दिखाने के लिए डांस करें। कुछ लोग हमें मैं नेगेटिव में भी थोड़ा जाऊँगा, क्योंकि कुछ लोग हमें चैलेंज भी करते हैं, कुछ लोग हमें चैलेंज करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त ऐसे होते हैं, मतलब हमारे रिलेटिव वो सब लोग ऐसे होते हैं जो अपने सपने को साइड में रख के वो हमें पुश करते हैं कि भाई आप आगे जाओ। तो मेरे ऐसे दोस्त हैं, मेरे स्टूडेंट्स हैं, मेरे पापा हैं, तो ये जो टैग लाइन है वो ये बहुत कनेक्ट करता है हमसे। मेरे डैडी विलन नहीं है क्योंकि मेरे डैडी का सपना था कि मैं एक पायलट बनूं, मैं उनका प्लस नहीं बन पाया, लेकिन मेरा जो सपना था उनकी प्लस मेरी मम्मी बनी, तो मैं आज यहाँ तक पहुँचा। बट मैं ये भी कहना चाहूँगा कि और ये जो हमारा शो आ रहा है डांस प्लस, तो आप देखते ही हैं, और बहुत ही सीरियस दो लोग हैं मैं और सर उसमें। हाँ। उसमें आपका क्या विचार है, कैसा रहेगा इस बार ये शो? ये बहुत हंसी मजाक करते हैं तीनों, इस बार बहुत अच्छा रहेगा बेटा, बहुत अच्छा, बहुत मजे आएंगे, मजा आएगा। चलो ठीक है, आपका आशीर्वाद चाहिए हमें। आशीर्वाद हमेशा रहेगा बेटा आप लोगों पर। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि अभी डांस में अच्छा हो रहा है एंड वो फिर अभी मूवी में आ रहा है, तो अभी तुझे भी डांस करना चाहिए, बट उसका टैलेंट कुछ अलग ही है, तो उसे वो तोड़ के ज़्यादातर के जहाँ ज़्यादा फेमस हो रहा है ज़्यादा, तो वहाँ पर पुश करते हैं। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छी बात है कि ऐसे हर बार जब भी सवाल पूछते हैं कोई भी इंटरव्यू में, उनका जवाब जब आता है तो कुछ पेरेंट्स हैं जो, उनको मैं थैंक यू बोलूँगा, जो समझ गए हैं, जो अपने बच्चों को अभी इस तरह से सपोर्ट करने लगे। बेटा तू कंप्लीट कर क्या, शायद बच्चे को वो कैपेबिलिटी हो ही नहीं, सो प्रेशर नहीं देना है, पुश नहीं करना है और फोर्स नहीं करना है। और जहाँ आप जैसे डिप्रेशन और इसकी बात हुई है, तो अब जो जितने भी यूथ हैं मैं उनको ये कहना चाहूँगा, आपको आप जर्नी को एंजॉय करो, इन जो हम लोगों ने अपनी जर्नी एंजॉय करी है गोल से ज़्यादा, गोल तो सक्स वो अलग बात है, वो मिलेगा नहीं मिलेगा, फेम आज है कल है नहीं, कुछ नहीं फर्क इसका। जैसे आपने प्रेशर की बात करी है, आई थिंक ऑल ऑफ अस फील इट एट सम लेवल, कभी ना कभी लाइफ में, जब बच्चे थे तब फील हुआ, कॉलेज में तब फील हुआ, कहीं ना कहीं ये फील होता है। एंड अभी मेरा रियलाइजेशन ये है कि ये तभी होता है जब हम दूसरों को अलाउ करते हैं प्रेशर फील करने के लिए। अगर हम अपने पे विश्वास करते और हमें पता है हमें क्या करना है, तो जैसे बोला कि लाखों में से एक निकलते हैं, हर फील्ड में वही है ना, डॉक्टर भी थोड़ी सभी बनते हैं, जितने भी डॉक्टर बनने पढ़ते जाते हैं, जितने भी डॉक्टरी करने जाते हैं
उसमें से जितने पढ़ने जाते हैं सब थोड़ी डॉक्टर बन जाते हैं, उसमें से भी एक ही कोई अच्छा डॉक्टर निकलता है ना, और एक ही कोई अच्छा लॉयर निकलता है, एक ही कोई ऐसा, हर फील्ड में यही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई यार ये बन गया अभी मैं नहीं छोड़ दूंगा, अगर वो उस भरोसे से करते हो तो कभी कुछ नहीं होगा, कभी कुछ नहीं होगा। सो यू हैव टू, और ऐसा नहीं है कि ये लाखों में से इनका कुछ होता नहीं, आज की तारीख में आई थिंक बहुत सारे ऐसे फील्ड हैं, आप अगर अच्छा टैलेंट है, आपके पास टैलेंट है, आपने अच्छा सीखा है डांस, तो आप कभी। दूसरा सवाल ये, क्या आपको भी हाल फिलहाल में कभी लिखा यू आर अंडर प्रेशर? सी, जिस फील्ड में हम लोग हैं उसमें प्रेशर तो बहुत होता है, है ना, और आप सभी जानते हैं कि आपका हर लास्ट काम आपका अब आ रहे हैं हम लोग, तो मतलब इट्स ऑलवेज ग्रेट के, क्योंकि अगर सीज़न पसंद नहीं करते तो सीज़न के बाद सीज़न नहीं आते हैं, तो थैंक्स ऑडियंस को कहना चाहेंगे कि उनकी वजह से हम लोग चौथा सीज़न लेके आ रहे हैं, सो आई एम वेरी एक्साइटेड, वी ऑल आर वेरी एक्साइटेड। ये शो टैलेंट के लिए बना है, एंड जितने भी परफॉर्मर्स आते हैं दे रियली ब्लो आवर माइंड्स, तो इस बार भी ऐसे कंटेस्टेंट्स आए हैं जिससे देखकर हम सब बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं, डांसिंग इज़ गोइंग टू गो अनदर लेवल, तो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि बच्चे क्या कर रहा है, कि डांसिंग विल गो टू अनदर लेवल, एंड डांस प्लस सीज़न 4 इज़ गोइंग टू बी फिनोमिनल। नहीं वो नहीं होगा, वो बिल्कुल नहीं, ये सीरियस हो गया, ये बहुत सीरियस है, मैं थोड़ा सीरियस हो गया हूँ, कॉमेडी सीरियस वाली करूँगा, होगी सब होगा, मजे होंगे, बहुत मनोरंजन होगा आप लोगों का, बहुत मजा आएगा, और एक नया ट्विस्ट आ रहा है इस बार हमारे शो में, डायरेक्शन में ज्यादा दिलचस्पी मेरी ज्यादा रहेगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं जब डायरेक्शन करूंगा तो गाने भी मैं ही करूंगा, तो कोरियोग्राफी ऑटोमेटिक, तो यस ऑफ कोर्स डायरेक्शन राइट नाउ इज ऑल इन माई माइंड, बट कोरियोग्राफी तो कभी छोड़ूंगा नहीं, वो मैं करता रहूँगा क्योंकि मेरा पहला प्यार है। सो कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ, सभी लोगों ने पसंद नहीं की, बट यस बहुत यस चुनौतीपूर्ण होता है डायरेक्शन करना, क्योंकि अगर ऐसी फिल्म हो जो इसमें बड़े बड़े एक्टर्स हों तो बहुत ही ज़्यादा चुनौती आता है आपको, बट आप डायरेक्टर हैं, ऐसी चुनौतियाँ का सामना करना मतलब आपको आना चाहिए, नहीं तो फिर आप डायरेक्शन नहीं कर सकते। जी आई यस ऑफकोर्स एज अ डायरेक्टर एज अ फिल्म मेकर आई फील बैड, मुझे बुरा लगा कि मुझे जो मैंने सोचा था वहाँ तक नहीं पहुँच पाया, एट द सेम टाइम मैं इस बात से खुश हूँ कि मैंने जितना मुझे मेहनत करनी थी, जितना मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मुझे कि यार ये आपको फिल्म बनानी है और इस लेवल पे बनानी है, ये करना है, मैंने उसका एक मतलब 0.1% भी मैंने उसका नहीं छोड़ा, मैं आई हैव डन एवरीथिंग जितना पॉसिबल था, हम सब ने पूरी टीम ने बहुत मेहनत की, बट एट द सेम टाइम सबसे बड़ी जो इस इंडस्ट्री में जो है वो जनता है, जनता डिसाइड करती है, अगर उनको थोड़ा भी ऊपर नीचे, वो ये नहीं देखती हैं कि आपने कितना मेहनत किया, क्या पसीना बहाया, आप वो थिएटर में आती हैं देखती हैं, तो शायद कुछ कमियां रह गई होगी उस फिल्म में, तो उतनी नहीं कर पाई, बट कुछ लोगों को बहुत पसंद आई, कुछ लोगों को नहीं पसंद आई, सो आई एम ओके विद दैट, बट नेक्स्ट टाइम जब भी मैं बनाऊंगा तो आई विल मेक श्योर कि जितनी मेहनत की थी उससे डबल मेहनत। नेक्स्ट इज़ माई डांस फिल्म विच इज़ गोइंग ऑन फ्लो वेरी सून।
सर एशिया कप भी आ रहा है और मतलब क्रिकेट टीम लॉन्च आ रही है, तो हम उसको विशेस देना चाहेंगे अपने इंडिया टीम को। एशिया इंडिया टीम को हम सबकी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट एंड यस इंडिया जिंदाबाद रॉकेट। यस थैंक यू।